हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवाणी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज किस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर की फिजिक्स की फर्स्ट बुक, जो की आपकी पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। एंड इसमें हमारी यूनिट चल रही है इनएडिक्वेसीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इसमें अब तक हम काफी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, एक दो टॉपिक रह गया, जिसमें से कि आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कॉम्प्टन इफेक्ट। इससे पहले अगर आपको याद हो, हमने क्या पढ़ा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, और आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक के लिए इक्वेशन दी थी वो पढ़ी थी। और आज टॉपिक है हमारा कॉम्प्टन इफेक्ट। सभी टॉपिक्स में हम मोस्टली किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेडिएशन के बारे में। तो ये बात मैं आपको पहले बता चुकी, रेडिएशन क्या होता है कि मान लिया किसी भी सब्सटेंस से क्या निकल रही है, बहुत ही ज्यादा हार्मफुल और पावरफुल रेज अगर निकल रही है तो उनको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं, विकिरण बोलते हैं। यानी कि वे किरणें जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जो कि किसी व्यक्ति के लिए मौत का कारण भी बन सकती है, उनको हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ये हमारी हार्मफुल भी होती है और अच्छी, दोनों प्रकार की होती है। बट जो हम मोस्टली पढ़ रहे हैं वो रेडिएशन पढ़ रहे हैं, जैसे कि एक्स रेज हो गई, गामा रेज हो गई वगैरह वगैरह। तो आज टॉपिक है कॉम्प्टन इफेक्ट। कॉम्प्टन इफेक्ट पहली बात है, ये दिया किसने था, तो ये बच्चे 1921 में एक साइंटिस्ट थे एन कॉम्प्टन, उन्होंने ये हमें क्या दिया था, इफेक्ट के बारे में इन्होंने बताया था। और इन्होंने बताया क्या था पहले समझेंगे, उसके बाद में नॉट आउट कराऊंगी, ठीक है। तो कॉम्प्टन ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि सपोज दैट, मान लिया कोई भी एक सब्सटेंस यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और इस सब्सटेंस पे जब भी हम क्या डालेंगे, कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट डालेंगे, तो वो इस सब्सटेंस से टकरा करके क्या हो जाएगी, टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, टू लाइंस में डिवाइड हो जाएगी। अब मान लिया यहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, इससे हम क्या डालें, मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल रहे हैं इस सब्सटेंस पे, ठीक है। ये मान लिया हमने एक्स रेज ही मान लो, ठीक है, सपोज दैट ये एक्स रेज है और ये हमने जब भी किसी सब्सटेंस पे डाली तो उस कंडीशन में दो लाइंस में डिवाइड हो गई। एक तो कैसी है, एक तो ये डायरेक्टली इसकी जो लेंथ होगी एक लाइन की, वो क्या होगी, सिमिलर होगी किसके, इसी एक्सरेज की, जो भी मतलब लेंथ होगी उसके इक्वल होगी, मतलब जो भी वेवलेंथ होगी, लेंथ मतलब वेवलेंथ की बात करी मैं यहाँ पे, कि जो यहाँ से जो एक्सरेज डालेंगे तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, एक तो इनमें से सेम इसी वेवलेंथ की होगी, जबकि जो सेकंड जो यहाँ पे क्या होगी, इससे टकराने के बाद में क्या हो जाएगी, फैल जाएगी, मतलब स्कैटरिंग हो जाएगी यहाँ पर इन रेज की, तो टू पार्ट में डिवाइड होगी ये इस सब्सटेंस से स्कैटर होने के बाद में। तो एक जो होगी रे, इसकी जो हमारी वेवलेंथ होगी वो तो सिमिलर होगी इसके, जो इंसिडेंट रे थी उसके, लेकिन जो सेकेंड होगी इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, इंसिडेंट रे की जो वेवलेंथ थी उससे। तो उस कंडीशन में ये जो इफेक्ट है, यानी कि अगर हम बात करें कि ये जो डिफरेंस आया यहाँ पे किसके बीच में, वेवलेंथ में, तो इनको तो क्या बोलते हैं, कॉम्प्टन शिफ्ट बोलते हैं, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉम्प्टन इफेक्ट बोलते हैं। दोबारा से समझो क्या था ये, कि सपोजेट कोई भी मोनोक्रोमेटिक लाइट डाली, सपोजेट एक्सरे डाली किसी भी सब्सटेंस पे, और इससे टकराने के बाद में ये टू पार्ट्स में स्कैटर हो गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, फैल गई, तो जो एक रे होगी उसकी तो वेवलेंथ सिमिलर होगी किसके, जो इंसिडेंट रे की वेवलेंथ होगी उसके, और एक जो रे होगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, इंसिडेंट रे की वेवलेंथ से। तो वेवलेंथ के बीच में जो ये डिफरेंस पाया गया, इसको ही क्या बोला इन्होंने, कॉम्प्टन शिफ्ट बोला, और ये जो कंप्लीट इफेक्ट है या जो ये फिनोमिना है, इसको क्या नाम दिया गया, कॉम्प्टन इफेक्ट नाम दिया गया, ठीक है। ये कब दिया था, 1921 में कॉम्प्टन ने दिया था। इसके बाद में अगर बात करें, ये तो हो गया नॉर्मली कॉम्प्टन इफेक्ट, ठीक है। इसके बाद में एक क्वांटम थ्योरी के अंडर एक्सप्लेन किया था, किसको, क्वांटम इफेक्ट को, उसके अंदर क्या कहा था, तो 1922 में, यानी कि इससे नेक्स्ट ईयर, क्वांटम ने ही क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बात बताई थी कि सपोज दैट कोई भी क्या रही है, एक फोटोन, आप सभी को पता है कि जो लाइट होती है, जो एनर्जी कह दो, मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही है, तो इसके अंदर क्या होते हैं, एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। तो ये क्या करती है, फोटोन के रूप में चलती है। तो इन्होंने 1922 में क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बताया था कि सपोज दैट, मान लिया कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, और ये कैसा है,
रेस्ट की पोजीशन में है, तो जब भी इससे कोई भी एक फोटोन आएगा और टकराएगा इस रेस्ट इलेक्ट्रॉन से, तो उस कंडीशन में ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और इसमें भी क्या आएगा, इनकी जो वेवलेंथ है उसमें डिफरेंस पाया जाएगा और इस डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं और ये फिनोमिना ही क्या कहलाता है, कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। यानी कि अगर बात करें 1921 में जब कॉम्पटन ने ये इफेक्ट दिया था तो इसमें इन्होंने क्या बताया था कि मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी सब्सटेंस से टकरा रही है एंड देन स्कैटर हो रही है। और 1922 में क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्होंने इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन किया था कि मान लिया फोटोन जो है वो इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं एंड देन स्कैटर हो रहे हैं, ठीक है। तो बस इतना सा ही डिफरेंस था। दो टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट, तो आप इसकी जो जनरल नॉर्मल आपको डेफिनेशन लिखाऊंगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और अगर आपसे बोलता है कि एक्सप्लेन द क्वांटम इफेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सेकंड डेफिनेशन लिखाऊंगी, उसके थ्रू आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको करना क्या है। तो एक बार पहले मैं आपको इसकी थ्योरी लिखा देती हूँ। सो देखिएगा इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, कि इन 1921 में प्रोफेसर ए एच कॉम्पटन डिस्कवर्ड दैट, यानी कि 1921 में प्रोफेसर ए एच कॉम्पटन ने डिस्कवर किया था, खोज की थी कि व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन, जब एक मोनोक्रोमेटिक बीम जो कि कैसा होगा, हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशन उच्च विकिरण की उच्च आवर्ती के विकिरण वाला, जैसे कि एक्स रेज हो गया, हमारी गामा रेज हो गई, इनमें क्या होता है कि जो विकिरण होता है, जो रेज होती है, जो रेडिएशन होता है वो कैसा होता है, हाई फ्रिक्वेंसी का, उच्च आवर्ती का होता है, इज स्कैटर्ड बाय अ सब्सटेंस। यानी कि जब सपोजिट ये वाली जो मोनोक्रोमेटिक बीम है, सपोजिट हमने एक्स रेज मान लिया, गामा रेज, जब ये किसी सब्सटेंस के द्वारा क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, सो द स्कैटर्ड रेडिएशन कंटेन टू लाइन, सो जो स्कैटर्ड रेडिएशन होता है वो क्या करता है, टू लाइन रखता है, वन हैज द सेम वेवलेंथ लैम्डा एज द ओरिजिनल इंसिडेंट रे, जिसमें से कि जो एक रे होती है वो क्या रखती है, सेम वेवलेंथ रखती है लैम्डा किसकी जितनी, जो कि हमारी इंसिडेंट रे थी इसके जितनी, बट एज द ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड द अदर हैज अ स्लाइटली लॉन्गर वेवलेंथ लैम्डा डैश, लेकिन जो अदर होती है, जो दूसरी होती है वो क्या रखती है, फर्स्ट जो इंसिडेंट रे है उससे थोड़ी सी ज्यादा क्या रखती है, वेवलेंथ रखती है, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा डैश से। अगर आपको कंप्लीट बिल्कुल इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन देखनी है तो वो यहां से बनेगी क्या, कि द फिनोमेना ऑफ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज, यानी कि वह फिनोमेना ऑफ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड एक्स रेज, जो एक्स रेज स्कैटर हो रही है उनकी जो वेवलेंथ में चेंज है बाय अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस के द्वारा ऑफ लो एटॉमिक नंबर, और इस सब्सटेंस कैसा होना चाहिए कि इसका जो एटॉमिक नंबर है, जो परमाणु संख्या है, वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट। तो जो वेवलेंथ में डिफरेंस है इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसने दिया था, कॉम्पटन ने दिया था, इसलिए इसका नाम भी कॉम्पटन शिफ्ट पड़ा। और ये जो फिनोमिना है, एंड द इफेक्ट इज कॉल्ड एज कॉम्पटन इफेक्ट, और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉम्पटन साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर ए एच कॉम्पटन, उनके नाम पे इस इफेक्ट का नाम पड़ा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार पहले इतना नोट करिए। चलिए इससे आगे देखिएगा, एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट बाय क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर क्वांटम इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जाए तो कैसे करोगे, सो दिस इफेक्ट वॉज प्रोवाइडेड बाय कॉम्पटन इन 1922, यानी कि 1921 में भी कॉम्पटन ने ही एक्सप्लेन किया था इस इफेक्ट के बारे में, और 1922 में भी, लेकिन 1922 में 1922 में इन्होंने इसको क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया था, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग 1922 में कॉम्पटन ने इस इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया था, अकॉर्डिंग टू क्वांटम कंसेप्ट ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन की अगर क्वांटम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो द रेडिएशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनर्जी पैकेट्स, यानी कि जो रेडिएशन होता है, जो विकिरण होता है, वो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट होता है, एनर्जी पैकेट्स के द्वारा। अभी मैंने बताया था जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है वो किस फॉर्म में चलती है, एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में, ऊर्जा के बंडल की फॉर्म में,
जिनको हम क्या बोलते हैं, फोटॉन्स, कॉल्ड फोटॉन्स। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच न्यू। जो फोटोन की एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू होती है। यहाँ पर एच क्या है, एच है यहाँ पर बच्चा प्लांक कॉन्स्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड। तो यहाँ पर फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। सो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्टन, कॉम्प्टन के अनुसार द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग इज ड्यू टू एन इलास्टिक कोलाइजन बिटवीन टू पार्टिकल्स। यानी कि कॉम्प्टन ने क्या बताया था कि जब भी किसी दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, इलास्टिक कोलाइजन। इलास्टिक कोलाइजन का मीनिंग क्या होता है, कोलाइजन का मीनिंग क्या होता है, टक्कर। और इलास्टिक का मीनिंग क्या होता है, प्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ टक्कर मतलब इलास्टिक कोलाइजन होता क्या है, तो देखो जब भी कोई भी दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं लेकिन उनका लीनियर मोमेंटम यानी कि रेखीय संवेग एंड काइनेटिक ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा, अगर उन दोनों में कोई भी परिवर्तन ना आए, कोई भी चेंज ना आए, तो इस प्रकार की जो टक्कर होती है, इस प्रकार का जो कोलिजन होता है, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर बोलते हैं। क्या है कि जब भी कोई भी दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं लेकिन उनके रेखीय संवेग लीनियर मोमेंटम और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक कोलाइजन। तो कॉम्प्टन ने क्या बताया था कि जब भी कोई भी दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं किसके अकॉर्डिंग, इलास्टिक कोलाइजन के थ्रू, तो जो स्कैटरिंग होती है, तो द फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड द इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैटरर। यानी कि जब भी क्या होगा, मान लिया कोई भी यहाँ पे पार्टिकल्स है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और जब यहाँ से फोटोन पड़ेगा, दोनों के बीच में क्या होगा, इलास्टिक कोलाइजन होगा, तो वे टू पार्ट में डिवाइड होंगे। एक तो क्या है, फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, यानी कि एक तो वो ही होगा जिस टाइप से जो रे आ रही है, जो फोटोन होगा हमारा आएगा सेम उसी की तरह होगा एक रेडिएशन तो, और दूसरा कैसा होगा, था इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैटर, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो दूसरे मतलब जो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में था उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मतलब कुल मिला के वही है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से क्या पड़ रही है, लाइट रे पड़ रही है, कोई भी वो सब्सटेंस से टकरा रही है, टू पार्ट में डिवाइड हो गई, तो वहां पे तो क्या था, ये बोल दिया गया था कि जो एक रे है उसकी वेवलेंथ सिमिलर होगी इंसिडेंट रे की वेवलेंथ के, जबकि जो दूसरी रे है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, थोड़ी सी स्लाइटली क्या होगी, लार्जर होगी किसी इंसिडेंट रे की वेवलेंथ से। तो सेम उन्होंने इस चीज को ऐसे एक्सप्लेन कर दिया कि जब पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यानी पार्टिकल क्या माना इन्होंने, फोटोन की, जब फोटोन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगी, इलास्टिक कोलाइजन होगा, तो एक तो होगी क्या, द फोटोन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और सेकेंड क्या होगी, इलेक्ट्रॉन ऑफ स्कैटर। ठीक है, सो द ऑब्जर्व चेंज इन फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ। तो इस कंडीशन में जो फ्रिक्वेंसी में और वेवलेंथ में जो चेंज मिलेगा, जो परिवर्तन पाया जाएगा ऑफ द स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन में यानी कि जो रेडिएशन का फैलाव होगा उसमें जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी में चेंज होगा, इज नोन एज कॉम्प्टन इफेक्ट। उसको ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्टन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी थी कंप्लीट। एक तो नॉर्मल कि कॉम्प्टन ने क्या बताया था वो, और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्टन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया वो। ठीक है, तो इस टॉपिक में बस इतना ही। ये टॉपिक आपका तीन पार्ट्स में कवर होगा। एक तो इससे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है जैसे आपको मैंने बता दिया। एक इसकी थ्योरी है, थ्योरी ऑफ क्वांटम इफेक्ट, उसमें काफी लेंथी डेरिवेशन है, वो अपने आप में ही खुद काफी लॉन्ग है। उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन आती है क्वांटम इफेक्ट की, सॉरी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आता है। तो एक तो आपका इसमें टॉपिक रहेगा इसकी थ्योरी, यानी कि थ्योरी ऑफ क्वांटम इफेक्ट जिसमें इसका कंप्लीट डेरिवेशन है। उसके बाद में आती है इसकी इंपॉर्टेंस, क्वांटम इफेक्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो एक लेक्चर में आपका वो हो जाएगा। उसके बाद में एक लेक्चर में इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हो जाएगा। तब जाकर के ये आपका टॉपिक कवर होगा। काफी लेंथी है और ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि आपके कभी कभी शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज क्वांटम इफेक्ट, एक्सप्लेन क्वांटम इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है ऑल्सो गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कवर करना है। जितना आज करा दिया उतना आज के लेक्चर से याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में सीखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।